नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आपके साथ मानसी। नकली मिनी शराब फैक्ट्री का हुआ खुलासा। बता दें कि भारी मात्रा में नकली शराब को बरामद किया गया है। बड़ा सवाल ये है कि थानेदार पर कार्रवाई की जाएगी। कुछ दिनों पहले नकली शराब के सेवन करने से सैकड़ों लोगों की मौत के बाद मुख्यमंत्री ने शराब बंदी की मैराथन समीक्षा की थी, जिसके बाद यह भी कहा था कि जिस किसी थाना क्षेत्र में अगर शराब का भंडार मिले और उस क्षेत्र में उत्पाद पुलिस अगर छापेमारी करती है और शराब की बरामदगी होती है तो संबंधित थाना के थानेदार को निलंबित कर दिया जाएगा। बता दें कि साथ ही 10 सालों तक उसे थानेदारी नहीं मिलेगी। तो अब समय आ गया है, क्योंकि राजधानी पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र में अंग्रेजी शराब बनाने वाली मिनी फैक्ट्री को उत्पाद पुलिस ने पकड़ा है और यह सब आलमगंज थाना पुलिस के नाक के नीचे हो रहा था। आपको बता दें कि उत्पाद पुलिस लगातार शराब कारोबारियों पर नकेल कस रही है और शराब के धंधेबाजों को पकड़ रही है। जी हां, इसी क्रम में बीती रात उत्पाद कमिश्नर के नेतृत्व में उत्पाद पुलिस ने आलमगंज में छापेमारी कर नकली शराब बनाने वाली मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। बता दें कि मामला आलमगंज थाना क्षेत्र के NMCH अस्पताल स्थित दुर्गा मंदिर के पास टीवी हॉस्पिटल के पास की है, जहां एक छोटे से मकान में नकली विदेशी शराब बनाने की मिनी फैक्ट्री चल रही थी, जिसके गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद पुलिस ने छापेमारी कर शराब को जब्त कर लिया है। बता दें कि शराब बिस्लेरी लिखे हुए कार्टून में पैक किया जा रहा था। उत्पाद कमिश्नर ने बताया है कि शराब बनाने की अन्य सामग्री मिली है, जिसे थाना क्षेत्र में बहुत दिनों से संचालित किया जा रहा था। आपको बता दें कि जिसे जब्त किया जा रहा है वो इससे जुड़े लोग हैं, उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन अब तक देखने वाली बात ये होगी कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आदेश अनुसार की जिस किसी थाना क्षेत्र में शराब का भंडार मिलता है और उत्पाद पुलिस अगर उसे पकड़ती है तो वहां के थानेदार को निलंबित कर दिया जाएगा। जी हां, क्या ऐसा होता है या नहीं, यही देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये फैक्ट्री थाना के पौस इलाके में चल रही थी और थाना को इसकी जानकारी तक नहीं थी। क्या ऐसा होता है कि उस थाने के सारे थानेदार को निलंबित कर दिया जाएगा, ये देखने वाली बात है। इसी तरह के छोटे बड़े खबरों के साथ देखते रहे NBC 24।